गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपनी इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश की क्लास में अपन क्या लर्न कर रहे हैं? स्पेलिंग्स। अपन ने स्पेलिंग्स लास्ट वीडियो में टी फॉर ट्री तक लर्न कर ली थी। कहाँ तक कर ली थी? टी फॉर ट्री तक। तो अपन ने एस फॉर सन की स्पेलिंग लर्न की थी, एस यू एन सन, और टी फॉर ट्री की टी आर डबल ई ट्री की लर्न की थी, है ना? तो इस वीडियो में अपन यू फॉर अम्ब्रेला की स्पेलिंग लर्न करेंगे। U for क्या होता है? Umbrella। U for umbrella। Umbrella की स्पेलिंग देखते हैं। U कैसा बनेगा? कैपिटल। फिर M, B, R, E, double L, A। क्या हुआ? अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी छाता। यू फॉर अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए। यू फॉर अम्ब्रेला। थोड़ी सी स्पेलिंग बड़ी है, आपको टाइम लगेगा लर्न करने में, पर हो जाएगी लर्न। यू एम बी आर ई डबल एल ए। यू एम बी आर ई डबल एल ए। यू फॉर अम्ब्रेला। अपन ने कहाँ तक स्पेलिंग्स लर्न कर ली है? ए से लेके यू तक स्पेलिंग्स हो चुकी हैं। सभी बच्चों को कहाँ तक लर्न हो गई हैं स्पेलिंग्स? टी फॉर ट्री तक लर्न हो गई क्या? अपन एक बार एम फॉर मून से रिवाइज करते हैं, ओके? एम फॉर मून, एम डबल ओ एन मून। एन फॉर नेस्ट, एन ई एस टी नेस्ट। ओ फॉर आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल। पी फॉर पेन, पी ई एन पेन। Q for queen, Q U double E N queen. R for rose, R O S E rose. S for sun, S U N sun. T for tree, T R double E tree. U for umbrella, U M B R E double L A umbrella. अब आपको ये लर्न करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर बड़ी ए बी सी डी का बनेगा, जो कि वन टू और थ्री लाइंस में होगा। कितनी लाइंस में होगा? वन टू और थ्री। और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो सिर्फ बीच की लाइन में बनेंगे, ओके? आया समझ? जैसा मैं लिख के आपको सेंड करती हूँ वैसा ही लिखना है, ओके स्टूडेंट्स? थैंक यू।